अपना बिजनेस बढ़ाइए, करोड़ों तक पहुंचाइए। सिलेंडर के बाद अब घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, आम जनता को इलेक्शन का भरपूर फायदा मिलने वाला है। जहां जिस तरह त्योहार के सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां ग्राहकों को फेस्टिव सीजन डिस्काउंट देती है, ठीक उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इलेक्शन सीजन डिस्काउंट दिया जाता है। चुनाव नजदीक है, मतदाताओं को लुभाना है और इसीलिए लुभाने के लिए सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने पर भी सरकार विचार करेगी और पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होने के पूरे आसार है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है। जहां इसी साल 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव है, यानी देश में इलेक्शन सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा है गैस सिलेंडर पर मिले डिस्काउंट की। मंगलवार की शाम अचानक से केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि अब घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो गया है। इसके लिए सरकार जो सब्सिडी देगी उसमें वर्ष 2023-24 में 7,680 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। गैस सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमत से परेशान आम आदमी के लिए बड़ी राहत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देकर रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहनों को तोहफा दिया है। सरकार भले ही कह रही है कि सिलेंडर पर मिली 200 रुपए की छूट रक्षाबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश की जनता को तोहफा है, लेकिन जनता जानती है कि ये इलेक्शन डिस्काउंट है। और साथ ही देश के करीब 33 करोड़ उपभोक्ताओं को 200 रुपए की सब्सिडी का भी फायदा मिलेगा। अब आ जाते हैं पेट्रोल डीजल के भाव पर। तो इसी साल अब अगला नंबर पेट्रोल डीजल का हो सकता है, यानी जनता का डबल फायदा होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्ष पर रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद मुफ्त की पॉलिटिक्स कर रही है। खुद भाजपा इस तरीके के ऑफर देकर आम जनता को लुभा रही है और इलेक्शन है इसीलिए लॉलीपॉप दे रहे हैं मोदी। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जो लगातार इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं। राजनीति में सिर्फ एक चीज मायने रखती है और वो है जीत, और आने वाले विधानसभा चुनाव में सिलेंडर पर सब्सिडी देकर बीजेपी को क्या मिलने वाला है ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेट्रोलियम वित्त मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में गैस उपभोक्ताओं की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक सिलेंडर खरीदने पर अब 400 रुपए कम देने होंगे। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि हमारे देश में फ्रीबीज की कोई तय परिभाषा नहीं है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा था कि समय और काल के हिसाब से फ्रीबीज की परिभाषा बदल जाती है। अब जनता को इंतजार है कि किस तरह इलेक्शन नजदीक आते जाए और महंगाई कम होती जाए, क्योंकि भले ही सरकार ये आम जनता को लुभाने के लिए कर रही हो, लेकिन आम जनता जो महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है उन्हें राहत जरूर मिल रही है। रवि माली हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि 5 सालों से लूटा है। सूरज यादव कह रहे हैं राहुल गांधी का डर सता रहा है, मुंबई बैठक के बाद देखना पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। देखिए, एक और बात, आज इंडिया की बैठक होने वाली है मुंबई में और इसी के मद्देनजर उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि इंडिया की बैठक से डर कर गैस सिलेंडर के भाव कम कर दिए गए हैं। आगे अगर कुछ और बैठक होगी तो फिर हो सकता है कि मोदी सरकार गैस सिलेंडर फ्री में भी बांटने लगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो कह रहे हैं न्यूज देखकर पता चल रहा है इलेक्शन का समय आ गया है। बिल्कुल, इलेक्शन का समय तो आ ही गया है, जिसके कारण इस तरीके के ऑफर्स जनता को दिए जा रहे हैं ताकि जनता इस ऑफर से प्रभावित हो और अगली बार भी मोदी सरकार को चुने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रेवड़ी कल्चर पर लगातार सवाल उठाने वाली भाजपा अब खुद इस रेवड़ी कल्चर में आते हुए नजर आ रही है। गैस सिलेंडर के भाव कम कर दिए गए और तमाम चीजों के भाव आने वाले दिनों में कम होंगे और
इस पर जनता पर तो इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन देखना यह होगा कि भाजपा के इस महंगाई कम करने वाले इस नई रणनीति को जनता कितना सहराती है और क्या पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ भाजपा मोदी सरकार आती है या नहीं। विनोद राजपुरोहित ने यहाँ पर ट्वीट किया है, ग्रेट जॉब मोदी जी। हमारे साथ कई दर्शक जुड़े हुए हैं जो अपनी राय इस पर रख रहे हैं, कई लोग इसे जनता के हित में बता रहे हैं तो कई लोग भाजपा की एक नई चाल। आपकी क्या राय, लगातार कमेंट करते रहिए।